तो अगला जो आसन है पवन मुक्त आसन, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उसमें से एक है कि आपको ब्लोटिंग से बहुत आराम देता है, गैस से काफ़ी आराम देता है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको लेटना है, आप लेट जाइए आराम से, और कोई मैट हो या फिर आपके पास कोई आप घर में दरी है या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि आप आराम से जिस पर लेट सकें ऐसे लेट जाएं। आपने देखा होगा जैसे शवासन जो होता है, तो जैसे आप लेटते हैं ऐसे लेट जाइए, बस हाथों को ऐसे रखिए, ऐसे आपको लेट जाना है। उसके बाद दोनों पाँव को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से फोल्ड करके अपने छाती के जितने करीब ला सकते हैं लेकर आइए, जितना आ सकते हैं इतना आ गया। उसके बाद दोनों हाथों को यहाँ पर ऐसे ऐसे पकड़िए, लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद आपकी जो घुटने हैं वो छाती पे आ जाने चाहिए और उनको ऐसे ज़ोर से प्रेस करें और फिर ऐसे अपनी गर्दन को सिर को उठा के ऐसे और इस पोजीशन पर रहिए। ये इंटरलॉक रहेंगे, ऐसे हाथों को बांध के रखें जिससे कि आपके पांव छाती से ऊपर ना चले जाए, और इस पोजीशन पे आप रहना है। पवन मुक्त आसन में जब आपके छाती और आपके स्टमक में जो प्रेशर आता है उससे जो दबाव होता है आपके पैंक्रियाज, आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और जो आपके पेट में जो ब्लोटिंग हो रही है, जो गैस फॉर्मेशन है वो निकल जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा ब्लोटिंग से, गैस से। तो नाम इसका है पवन मुक्त आसन, जैसे कि नाम ही है पवन मुक्त, तो पेट में जो गैस है वो आपकी रिलीज कर देता है। इस पोजीशन पे आपको काफ़ी देर रुकना है, कम से कम शुरुआत में तो आप ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। और ब्रीदिंग नॉर्मल होती रहेगी, 3 सेट में इसको कीजिए, 30 सेकेंड, फिर 30 कीजिए, 40 सेकेंड कीजिए, 50 कीजिए, 60, फिर 1 मिनट कीजिए। फिर जब हो जाए ऐसे वापस इसी पोजीशन पे आ जाइए। फिर से इस पोजीशन को कीजिए, छाती पर दोनों आपके जो घुटने ऐसे छाती पर लगे रहेंगे। अगर आपको लग रहा है ऐसे नहीं हो तो ऐसे ही पकड़ के आप रख सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे को सुविधा हो गर्दन को उठा लीजिए। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो फिर आप गर्दन मत उठाइए, फिर आप इस पोजीशन पर रहिए ऐसे। घुटनों में दर्द है तो उसको मत कीजिए, अगर आपको लगता है गर्दन उठाने से आपको दर्द होता है तो गर्दन को ऐसे नीचे रखिए और पाँव को ऐसे रख के भी आप कर सकते हैं। तो पवन मुक्त आसन के ज़रिए आपकी जो गैस जो फॉर्मेशन होती है पेट के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब पोजीशन को चेंज करते हैं, पाँव को ऐसे लें और ऐसे फोल्ड करके ऐसे आ जाए। तो जैसा बता रहा था कि आजकल की जो खाने पीने का जो हमारा टेस्ट है काफ़ी बदल गया है, घर से ज़्यादा हम लोग बाहर खाना खाते हैं, काफ़ी पैक्ड फूड्स खाते हैं, इंस्टेंट फूड खाते हैं। तो और दूसरी बात यह भी है कि हम लोग काफ़ी खाना खाते हैं जो प्रिजर्व किया होता है, प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं, फ्रिज में हम काफ़ी दिन तक रख के खाना खाते हैं, मजबूरी भी होती है और आप कह सकते हैं कि ट्रेंड भी है, स्वाद भी बदला है। तो ऐसे में ये जो गैस और ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से ब्लोटिंग की और गैस की समस्या होने लगी है लोगों को। तो इस तरह से पोजीशन पे कुछ देर रुकना है, फिर ऐसे वापस उसी पोजीशन पे आ जाइए।
फिर से पाँव को अपने करीब लाइए छाती के और इस तरह से ऊपर, जैसे कहा गर्दन में अगर आपको दर्द है या नहीं रख पा रहे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं पवन मुक्त आसन को। आपको इसमें इंस्टेंट महसूस होगा, अगर आपका पेट फुला हुआ है, ब्लोटिंग है, तो आपको इंस्टेंट इससे समझ में आया कि आपको फायदा हो रहा है। लेकिन इस पोजीशन को होल्ड करना है, पहले पहले पोजीशन होल्ड करने में आपको परेशानी होगी, तब आप 10 सेकंड कीजिए, रिपीट कर लीजिए, 3 बार कीजिए, 3 सेट पे कीजिए। आपको लगता है कि एक बार और करना है तो एक बार और कर लीजिए, आप 4 के सेट कर लीजिए, और जैसे जैसे आप 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 सेकंड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको देखिएगा कि इसका असर और बेहतर दिखने लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जिनको पाँव में ज़्यादा दर्द हो रहा है वो इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि घुटनों को आप ऐसे फोल्ड कर करेंगे तो आपके घुटने के दर्द और बढ़ जाएंगे, तो उनके लिए बिल्कुल ये ना है। और अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपको लगता है कि आप हैवी हैं, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी आप फिर आपको लगता है कि आपके शरीर में ज़्यादा फैट है, तो आप जब पैड को पेट के ऊपर जब इसे रखेंगे अपने घुटनों को इस तरह से, तो हो सकता है कि आपको पोजीशन ऐसे पार पकड़ने में दिक्कत हो, तो वैसे में आप दोनों हाथ से ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही पकड़ सकते हैं, आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप ऐसे कीजिए और सिर को ऐसे रखिए और इसको ऐसे पकड़ के रखिए। तो आपके पास एक ये भी उपाय है। ब्लोटिंग की जो समस्या होती है वो आपके यानी मिडिल पार्ट, शरीर का जो मध्य हिस्सा होता है वहाँ पर होती है, और इस जगह पे जितना प्रेशर आपका पड़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो काम करेंगे और आपको आपके डाइजेशन, गैस रिलीज, इन सब में मदद करते हैं। तो इसलिए देखिए पवन मुक्त आसन आपने देखा कि वो सारा का सारा प्रेशर इस जगह पर आता है पेट के ऊपर, तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट जो आसन है ये आपको डिफ़िकल्ट नज़र आएगा क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो भी आप इसको कर सकते हैं, कोशिश करते रहिए, क्योंकि जो आप इसको जितना कोशिश करते रहेंगे और धीरे धीरे इसमें जिसको आप इतना परफेक्ट करेंगे इस आसन को, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उसके मल्टीपल फ़ायदे होंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि मल्टीपल फ़ायदे हैं इन आसन के। तो पश्चिमोत्तान आसन ये हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे बैठें तो उसके लिए आप ऐसे ऐसे बैठ जाइए, स्ट्रेट पाँव को स्ट्रेट कर लीजिए, और उसके बाद ऐसे बैठने के बाद अब आपकी कोशिश क्या करनी है कि इस तरह से झुक कर आपको ऐसे अपने पाँव की उंगलियों को पकड़ना, धीरे धीरे जैसे जैसे उंगली को पकड़ते जा रहे हैं, फिर और यहाँ से एड़ियों को पकड़िए, और करना क्या है आपको सीधे जाने के बाद इस तरह से अपने नाक को यहाँ पर लगाना है। नाक को लगाने का मतलब है कि जितना आप जा सकते हैं, यानी कि जितना आप बेंड होंगे, अगर आपकी नाक यहाँ लग रही है इसका मतलब है कि आप इससे ज़्यादा और क्या बेंड हो सकते हैं, यानी कि आपने अपने आप को पूरे इसी तरह से इतना बेंड कर लिया, और यही कोशिश है। तब ऐसे बैठना है, उसके बाद फिर से चाहिए हो सकता है पहले पहले आप बहुत लंबा आप नहीं ठहर पाएंगे, आपको 10 सेकंड लग रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं कि 5 सेकंड लग रहा है, या हो सकता है कि फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, 5, 10, 15, 3 सेटों में कीजिए। अब इसको करना कैसे, देखिए पहले ऐसे बैठना है, पैरों को स्ट्रेट रखिए, फिर धीरे धीरे जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप ऐसे पकड़ अपने एरियों को, उसके बाद फिर अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है, पाँव में दर्द है, कमर में आपको पेन है, तो ये जो आसन है इसको आप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और आपको लगता है कि नहीं घुटनों में कोई दर्द महसूस, और अगर कहीं पर भी बीच में आपको करते हुए दर्द महसूस होता है तो तुरंत वहीं पर ही आप
रुक जाइए, इमिडिएटली स्टॉप, डोंट डू इट, क्योंकि पेन का मतलब है कि ये जो आप कर रहे हैं वो नहीं ले पा रही है बॉडी। दूसरी बात है क्या कि जब आप इसको करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप फुली स्ट्रेच करके नहीं, आप आपकी जो नाक है घुटनों तक नहीं जा रही है, आपका सिर जो है यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। उसमें आप जहाँ तक आप जा पाएँ, पाँव को ऐसे कर लीजिए, सीट स्ट्रेट कर लीजिए, बैठ गए, जहाँ तक आप जा सकते हैं, अगर आपकी पहुँच यहाँ तक है तो यहाँ तक कीजिए, ऐसे रहिए। उसके बाद आपको लगता है नहीं मैं तो यहाँ तक, यहाँ इतना पकड़ सकता हूँ या पकड़ सकती हूँ, यहाँ तक टच कर सकते हैं, तो यहाँ तक कीजिए। फिर लगता है आपको एड़ियों तक जा सकते हैं, एड़ियों तक जाइए। तो जहाँ तक आप जा सकते हैं इसको कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे, फिर आप एक वक्त आएगा जब आप इसको पूरे परफेक्टली कर पाएंगे, परफेक्शन के साथ, और लेकिन उसमें वक्त लगेगा, लेकिन धीरे 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 कोशिश करते रहिए। और जब आप ये आसन करेंगे आपको जो महसूस होगा, बिल्कुल जो आप देखिए यहाँ पर आपको प्रेशर महसूस होगा, और ये जो प्रेशर यहाँ पर आता है वही आपके पैंक्रियास को, आपके जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है, और आपका पेट ब्लोटिंग से आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी, गैस आपका जो फॉर्म हो रहा है रिलीज़ हो जाएगा, और जो आपके यहाँ पर कुछ भी है जो उसको रिलीज़ होना है वो रिलीज़ हो जाएगा, और आपको ब्लोटिंग से यानी जो पेट आपका फूल जाता है उससे आराम मिल जाएगा। तो पश्चिमोत्तान आसन आप कीजिए, जितना मैंने बताया अगर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इनको यानी उंगली को पकड़ लीजिए, यानी कि जितना हो सकता है। मैंने आपको बताया कि पाँव को ऐसे स्ट्रेट रखिए और जहाँ तक जा सकते नहीं होता तो इतना ही पकड़ के आप बैठिए, इतना ऐसे। इसका भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा।